बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन्थ, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज़ यू ऑल नो, वी आर डूइंग यूनिट वन, शिपरेक ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, एंड वी हैव कवर्ड फाइव पार्ट सो फार, एंड टुडे वील डू सिक्स पार्ट, दैट इज़ बैक टू द शिप। सो आई गिव यू अ क्विक रिव्यू वट हैज़ हैपन्ड अप टिल नाउ। अब तक क्या हो चुका है? सो रॉबिन्सन is on a sea journey and he is with his friends towards West Africa, but he has got stuck in a storm in a wild sea. And what happened next? After that, a fierce storm came and it stuck their ship, but somehow they managed to get the boat out of the ship, and they are trying to get to the shore, but another fierce wave comes and turns the boat around. Boat ko ulta deti hai, and he has lost his friends. Now he is all alone. He somehow manages to reach shore. Now he is on the shore, and now he is in inland, and he doesn't have any food and water. He doesn't have any place to sleep. He doesn't have any weapons to protect himself from wild animals and creatures, but he somehow tries to make a plan that way he would sleep, where he would be safe. He finds a bushy tree and he climbs up to that tree and he slept over there. Wo wahan pe so jata hai. He found a position from where he would not fall even when he slept. Agar so bhi gaya to wahan se wo girega nahi. So now let's see what happens next. Back to the ship. When I woke up, it was already daylight. Jab wo utha Robinson, to already din ho chuka tha. The storm was over and the sea quite calm. So the sea was not wild anymore. Dangerous nahi tha, wahan pe koi bhi tufaan nahi tha, aur tufaan khatam ho chuka tha. To my surprise, I saw that the ship had been lifted off the sand bank during the night and was now lying on its side by some rocks only about a mile from where I was. To my surprise, so he was shocked to see, he saw that ship was not anymore on the sand. Ship us sand bank se, us ret ke tile se, wahan pe jo ret thi pani ke niche, usse lift ho chuki thi, usse uth chuki thi. During द नाइट, रात के टाइम में, अभी सुबह हो गई थी जिस टाइम वो सो रहा था, उस टाइम में शिप खुद ही वहाँ से हट चुकी थी. एंड नाउ वॉज लाइंग ऑन इट्स साइड बाय सम रॉक्स ओनली अबाउट अ माइल फ्रॉम वेयर आई वॉज. वो कुछ वहाँ पे जो रॉक्स, जो पत्थर थे, उनके साथ पड़ी हुई थी. कुछ पत्थरों के साथ एक साइड से, शिप की एक साइड थी वो कुछ पत्थरों के साथ टच थी, और उससे वो जहाँ पे वो शिप थी वो उससे सिर्फ एक मील के फासले पर वो जगह थी. आई वंडर्ड इफ़ आई कुड गेट बैक ऑन बोर्ड टू लुक फॉर फूड एंड अदर थिंग्स टू हेल्प मी स्टे अलाइव. उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह से वापस शिप पे जा सके और वहाँ से कुछ खाने के लिए और कुछ और चीज़ें जो उसको ज़िंदा रहने के लिए मदद देंगी, जैसे कि कुछ कपड़े हो गए, कुछ वेपन्स हो गए जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर वो वहाँ से ला सके. इन द आफ्टरनून द सी वॉज वेरी काम एंड द टाइड वॉज सो फार आउट दैट आई वॉज एबल टू वॉक टू विद इन अ क्वार्टर ऑफ अ माइल ऑफ द शिप. दोपहर के टाइम जब समुंदर में तूफान नहीं था और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब चल रहा था, और टाइड जो कि पानी का बहाव था या जो लहरें, जो ऊंची लहरें होती हैं वो नहीं थी, तो जो वो वहाँ पे शोर पे चलने के काबिल था, वहाँ पे चला जा सकता था. क्वार्टर माइल के रास्ते के अंदर अंदर, यानी थर्ड क्वार्टर जो होता है एक मील का, उतने रास्ते के अंदर अंदर शिप के करीब जा सकता था. आई सॉ नाउ हाउ फूलिश इट हैड बीन टू लीव द शिप. उसको अब लग रहा था कि उसको शिप से उतरना नहीं चाहिए था, उसको शिप को छोड़ना नहीं चाहिए था. इफ़ यू हैड स्टेड ऑन बोर्ड वी शुड ऑल हैव बीन एबल टू गेट टू शोर एंड आई वुड नॉट हैव बीन लेफ्ट अलोन. वो कह रहा है कि अगर वो लोग शिप पे रहते
तो वो अब तक आसानी से साहिल पे पहुंच सकते थे और वो भी अकेला ना होता. एंड ही वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स ना खोता. बट इट वॉज़ नो यूज़ थिंकिंग ऑफ वॉट माइट हैव हैपन. लेकिन अब जो हो चुका उसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं. आई डिसाइडेड आई मस्ट ट्राई टू गेट टू द शिप. उसने डिसाइड किया कि वो ज़रूर शिप पे जाने की कोशिश करेगा. आई पुल्ड ऑफ मोस्ट ऑफ माई क्लोथ्स एंड वेंट इन टू द वाटर. जो उसके ट्राउज़र्स और शर्ट थी, वो जो उसके कपड़े जो कि पहले गीले हो चुके थे, वो उसने उतारे और वो पानी में गया. व्हेन आई केम टू द शिप आई सॉ अ स्मॉल लेंथ ऑफ रोप हैंगिंग डाउन द साइड. जब वो शिप पे पहुंचा तो एक छोटी सी रस्सी जो थी वो साइड से शिप के हैंग हुई हुई थी. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई गॉट होल्ड ऑफ इट एंड मैनेज टू पुल माई सेल्फ अप ऑन टू द डेक. जो शिप पे वैसे ही चढ़ना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेयर्स नहीं थी उसकी साइड पे. तो वहाँ से एक रस्सी छोटी सी लटक रही थी शिप से, जिसको पकड़ के वो किसी तरह ही समहाउ मैनेज टू गेट ऑन द शिप. वो किसी तरह शिप पर चढ़ गया. द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू सर्च एंड सी वॉट वॉज स्पॉइल्ड एंड वॉट वॉज अनडैमेज. आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द फूड ऑन द शिप वॉज ड्राई एंड अनटच्ड बाय द वाटर. पहली चीज़ उसने जो करनी थी वो ये देखना था कि कौन सी चीज़ स्पॉइल्ड यानी तबाह और अनडैमेज्ड यानी ख़राब नहीं हुई थी. और उसको चीज़ सब कुछ देखने के बाद उसको मालूम हुआ कि काफ़ी सारा जो फूड था वो बिल्कुल ड्राई था और पानी की वजह से गीला नहीं हुआ था. आई वॉज़ वेरी हंग्री सो आई टुक अ हैंडफुल ऑफ बिस्किट्स एंड एट देम एज आई वॉकड अराउंड फॉर आई हैड नो टाइम टू स्पेयर. वो कह रहा है कि ही वॉज़ वेरी हंग्री, वो बहुत उसको भूख लग रही थी. सो ही टुक हैंडफुल ऑफ बिस्किट. हैंडफुल यानी मुट्ठी पर बिस्किट लिए और उनको खाते हुए वो उसी जगह पे इर्द गिर्द चल रहा था और चीज़ों को देख रहा था क्योंकि उसके पास और टाइम फजूल ज़ाया करने के लिए नहीं था. द चीफ थिंग आई नीडेड वॉज अ बोट. चीफ मीन्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग. उसको जिसकी ज़रूरत थी वो एक बोट थी और समथिंग लाइक इट और इसी तरह का कुछ भी जो कि पानी पे फ्लोट कर सके, तैर सके. सो दैट आई कुड टेक टू द शोर ऑल द थिंग्स विच आई न्यू आई वॉन्टेड. ताकि उस बोट पे या जो भी राफ्ट वगैरह उसको चाहिए थी उस पे जो जितना भी सामान उसको शिप से ले जाना है वो वापस ले जा सके शोर यानी साहिल की तरफ, जो जिसकी उससे ज़रूरत थी. इट वॉज़ नो यूज सिटिंग विशिंग फॉर अ बोट फॉर देयर वॉज नन. सो आई लुक्ड अराउंड टू सी वॉट आई कुड यूज़ टू मेक अ बोट. इसका कोई फ़ायदा नहीं था सिर्फ इस बात की ख्वाहिश करने से कि उसको बोट की ज़रूरत है और अगर कहीं से बोट मिल जाए, क्योंकि उसको पता था वहाँ पे कोई बोट नहीं है. सो ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा कि वो किस चीज़ को यूज़ करके बोट बना सकता है. आई फाउंड सेवरल लार्ज पीसेस ऑफ वुड एंड थ्रू एज मैनी एज आई कुड मूव इन टू द वाटर. उसने कुछ बहुत बड़े पीसेस देखे लकड़ी के और जितने उससे हो सके थे उसने पानी में फेंक दिए ताकि वो उसकी बोट बना सके. आई टाइड ईच वन विद अ रोप. उसने इतने पीसेस फेंके थे लकड़ी के जितने वो आसानी से खींच सकता था या मूव कर सकता था वाटर में. आई टाइड ईच वन विद अ रोप सो दैट इट कुड नॉट फ्लोट अवे. सबको उसने रस्सी से बांध दिया सबको ताकि वो उससे दूर नहीं बह सके, वो उससे कहीं और ना जा सके, बल्कि उन रस्सियों से वो पकड़ के उनको शोर की तरफ साहिल की तरफ ले जा सके. देन आई वेंट डाउन द शिप साइड एंड पुलिंग देम टू मी आई टाइड फोर ऑफ देम टुगेदर एट बोथ एंड्स एज टाइटली एज आई कुड टू मेक अ राफ्ट. उसके बाद वो शिप की साइड पे गया और उसमें से चार जो लकड़ी के पीसेस थे उनको दोनों साइड से टाइटली उसको बांधा ताकि वो उसको आसानी से पुल कर सके. देन आई लेड टू और थ्री शॉर्टर पीसेज अक्रॉस देम एंड फाउंड आई कुड वॉक ऑन द राफ्ट वेरी वेल. फिर उसके बाद तीन शॉर्ट पीसेस जो पहले लार्ज पीसेस थे उसके बाद शॉर्ट पीसेस उसने उनके इस तरह करके बांध दिए थे, इस तरह करके अक्रॉस देम दूसरी तरह क्रॉस बना लिया था. एंड फाउंड आई कुड वॉक ऑन द राफ्ट वेरी वेल. और उस पर वो राफ्ट जो उसने बनाई वो उस पर आसानी से चल सकता था. हाउएवर इट वॉज़ नॉट एबल टू कैरी एनी ग्रेट वेट बिकॉज द शॉर्ट पीसेज ऑफ वुड वर टू लाइट. So I used a saw to cut one of the ship's masts into three pieces and added them to my raft. It was hard work but it made my raft strong enough to carry quite a heavy load. तो उसको लग रहा था कि जो शॉर्ट पीसेज हैं वो थोड़े लाइट हैं लकड़ी के, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा हैवी सामान वो नहीं ले जा सकेगा.
तो उसने एक आरी ली, सॉ एक आरी ली और उसको शिप्स मास्ट, जो शिप के इर्द गिर्द जो कुछ लकड़ियाँ होती हैं वो काट के उसने उसके 3 पीसेस बना के अपनी राफ्ट में यूज़ किए। बहुत मुश्किल काम था लेकिन उसने बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की राफ्ट बना ली जो कि बहुत हैवी लोड कैरी कर सकती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डू रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।